किस तरह से वहां पर पत्थर और कांच जो है उसको फिलहाल तो झाड़ू लगाकर साफ कर दिया गया है, लेकिन जो बिखरे हुए चीजें हैं जिनको साक्ष्य के रूप में जुटाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है, टॉप एंगल से ये तस्वीरें हैं वो आप देखिए। जहांगीरपुरी इलाके के उसी सी ब्लॉक के पास एक घर पे हम ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति को आपको दिखाते हैं। ये सामने वही मस्जिद है जिसके सामने ये बताया जा रहा है कि ये इस बवाल की शुरुआत हुई। कल फॉरेंसिक टीम इसकी छत पे भी गई थी, छत पे वो इस तरह के सुराग तलाशने की कोशिश कर रही थी कि क्या कभी ईंटें पत्थर या इस तरीके की चीज़ें वहाँ की सरफेस पे रखी गई या नहीं रखी गई। इसके अलावा आसपास के घरों की छतों पे भी फॉरेंसिक टीम ने तलाश की अपनी और वहाँ से कई नमूने अपने साथ सीज करके ले गई। आने वाले टाइम में जांच के बाद ये साबित होगा कि क्या वो पत्थर फेंकने में या किसी दूसरी नीयत से वहाँ उसी वक्त इकट्ठे तो नहीं किए गए थे। इसके अलावा मैं इस इलाके के दूसरे घरों को और इस भौगोलिक इस जगह की भौगोलिक स्थिति को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बहुत ही संकरी गलियाँ हैं यहाँ पर और जो दोनों तरफ से मॉब आए वो तकरीबन इसी तरह की गलियाँ इस पूरे इलाके में फैली हुई हैं। इसके अलावा अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये छत हैं घरों की, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ ईंटें पत्थर इकट्ठे करने की ज़रूरत है। काफ़ी ईंटें पत्थर यहाँ पहले से भी मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे घरों की छतों को दिखाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कभी भी अगर बवाल जैसे हालात अगर होते हैं तो ईंट पत्थर, चूँकि कंस्ट्रक्शन का इलाका है और अब हम ये नहीं कह सकते कि इस नियत से ये यहाँ पे ईंट पत्थर रखे गए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी भी इलाके में ईंट पत्थरों की मौजूदगी छतों पे इस इलाके में देखी जा सकती है। पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही हैं। कई जिन घरों के बाहर के ऊपर इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं वहाँ पे फॉरेंसिक टीम नमूने ले रही है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की आबादी को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि तनाव अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, हालांकि पुलिस बल इतना ज़्यादा मौजूद है कि वो तनाव बाहर नहीं आ पा रहा है, लेकिन तनाव ज़रूर ज़्यादा है। कैमरामैन रविश के साथ इंद्रजीत राय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।